कर्नाटक में टिकट की डिमांड ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। कर्नाटक कांग्रेस में टिकट को लेकर क्यों मचा है घमासान? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपनी सत्ता बचाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता एक ओर जहां अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी के भीतर से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिन बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की डिमांड की है, उनमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, आर रामलिंगा रेड्डी, के एच मुनियप्पा और सीनियर नेता मार्गरेट अल्वा समेत कई और नाम हैं। खबर के मुताबिक कम से कम 15 मंत्री अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट लेने की जुगाड़ में लगे हैं। हाल ही में ऐसे नेताओं की फहरिस्त में वीरप्पा मोइली का भी नाम शामिल हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं के इस डिमांड ने पुराने कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया और उन लोगों ने इसका खुलेआम विरोध भी शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी में भाई भतीजावाद काफी ज्यादा हो रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते ही टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में भी हंगामा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर एच सी महादेवप्पा के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ। वहीं मुद्दे पर सिद्धरमैया ने खुद का बचाव किया और कहा कि रिश्तेदारों के लिए टिकट लेने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हाईकमान ही आखिरी फैसला लेंगे। लिहाजा पार्टी ने विवाद सुलझाने के लिए अध्यक्ष राहुल गांधी के पाले में गेंद डाल दी है। सूत्रों की माने तो एक दो दिन में इस लिस्ट को राहुल गांधी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस नेताओं की अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की डिमांड पूरी होती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।